डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय है एलर्जी की सर्दी, उससे बचने के उपाय और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। 2018 में एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था, उसमें यह देखा गया कि दुनिया भर के कम 15 से 25% लोग एलर्जी के सर्दी से परेशान है, जिसकी वजह से वो अपना रूटीन काम भी नहीं कर पाते। लगभग यही हालत भारत में भी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को ही इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बच्चे और बूढ़े में भी ये बीमारी प्रायः पाई जाती है, जिसको एलोपैथिक लैंग्वेज में एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। इसके प्रमुख दो प्रकार होते हैं, एक होता है सीजनल, यानी एक सीजन चेंज होने के बाद जब नया दूसरा सीजन आता है तो उस वक्त किसी किसी को एलर्जी होती है, किसी को समर में, किसी को विंटर में, किसी को रेनी सीजन में। और दूसरा टाइप होता है क्रोनिक, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की एलर्जी की वजह से, यानी ठंडी हवा, डस्ट, पॉलन, इस किसी भी चीज की वजह से जो एलर्जी की सर्दी होती है उसको क्रोनिक कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। किसी भी इंसान को किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, तो इसके अंदर प्रायः हम देखते हैं कि फूलों के जो परागकण होते हैं, जिसको पॉलेंस कहा जाता है, या फिर ठंडी हवा का झोंका हो, किसी को फ्यूम की वजह से हो सकता है, यानी जो किचन का जो धुआं उठता है उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट की वजह से होती है, किसी की ठंडी हवा के फ्लो की वजह से होते है, किसी को एनिमल का जो मल होता है शरीर घर में पड़ा हुआ उसके वजह से हो सकता है। आयुर्वेद के मतानुसार जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको भी एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी की सर्दी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि हमको एलर्जी की सर्दी है, तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार छींकों का आना, नाक से पतला पानी बहते रहना, नाक भूज जाना, या नाक कान या गले में खुजली का चलना। किसी किसी लोगों को ऐसे नाक को रब करने की आदत हो जाती है, किसी को गले के अंदर खराश होती है, तो किसी को इसमें लो ग्रेड फीवर भी आता है, और बहुत से लोगों को इसके अंदर नींद नहीं आती। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेद इसमें टिप्स क्या क्या कहा सकते हैं। अपने शरीर में कफ की निर्मित ना हो, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होते हैं, और हमारा जो खाना खाने का रेगुलर समय है उसको हमें स्कीप नहीं करना चाहिए, उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। उसके बाद खाना, जो लोग फास्ट खाते हैं उनकी कफ की निर्मित ज्यादा होती है, इसलिए बहुत स्लोली और बहुत ज्यादा चबा के जो लोग खाते हैं उनमें कफ नहीं बढ़ता, इसलिए बहुत ज्यादा खाना चबा के खाना चाहिए। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्होंने गर्म और ऊनी कपड़े पहनना चाहिए, और हमारे डाइट में लिक्विड डाइट कम रखना चाहिए, और खुली हवा में सोने का परहेज करें, और अपना जो बेड शीट तकिया होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं उसकी वजह से भी काफी बार एलर्जी होती है, इसलिए हमारे बेड और पिलो जो होता है उसको रेगुलरली धोना चाहिए। एलर्जिक सर्दी वाले लोगों ने किस चीजों से बचना चाहिए, यानी क्या क्या उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, तो उन्हें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, और आयुर्वेद के हिसाब से जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी दो चीजों को मिला के जो चीजें होती है वो नहीं खाना चाहिए। इन लोगों ने खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए, जो मैदा वाली चीजें होती है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसके बाद दही है, आइसक्रीम है, बहुत ज्यादा स्वीट्स है, ये खाना अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ केक्स जैसी चीजें होती है जो वंस इन मंथ खाए तो ओके है, लेकिन रेगुलरली इसे नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो नहीं खाना चाहिए, दिन में सोना या ज्यादा पानी पीना ये अवॉइड करना चाहिए, और जो लोगों को एसी में काम करना पड़ता है खास करके आईटी इंडस्ट्रीज वालों ने, उन्होंने अपने गर्म कपड़े पहन के जाना चाहिए, जिससे उनका एसी से बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट ना आए। अब हम देखेंगे इसमें आयुर्वेदिक क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। तो जैसा कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो तो हमारी कोई भी एलर्जी की चीज हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे सेल्स उसको फाइट करती है, इसलिए इसमें इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जिनको सर्दी होती है उन्होंने बाफ लेना चाहिए, यानी स्टीम इनहेलेशन। आयुर्वेद के अंदर एक चिकित्सा कही गई जिसको नस्यम कहा गया, इसमें औषधि युक्त तेल को नाक के अंदर ड्रॉप्स डालने होते हैं, जिसकी वजह से अगर डस्ट या फिर ठंडी हवा का ब्लो हमारे नाक में प्रवेश करता है तो भी हमारे शरीर में एलर्जी की रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद कुछ हर्बल मेडिसिन होती है, उसके साथ हम हर्बल मेडिसिन के साथ गार्गल्स कर सकते हैं, और हमारे शरीर में जो तीन दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, उनके बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
उसके बाद साल में एक बार हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होती है, जो खासकर सर्दी के अंदर कफ की निर्मिति की वजह से ये होता है। तो इन लोगों ने साल में एक बार यानी फरवरी मार्च और अप्रैल मंथ के ड्यूरिंग वमन, ये डिटॉक्सिफिकेशन की पंचकर्म की प्रोसीजर होती है वो करना चाहिए। और उसके साथ कुछ आयुर्वेद में 5,000 साल से जो कुछ अच्छी दिव्य मेडिसिन कही गई है, जिसकी वजह से हम एलर्जिक सर्दी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते, तो वो लेना चाहिए। इसके अंदर घरगुती मेडिसिन क्या काम आती, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर कोई होगी तो वो है जिंजर यानी अदरक। तो इसका सेवन आधा चम्मच अदरक और 1 चम्मच गुड़ मिला के सुबह करते हैं, तो एलर्जी के सर्दी से या फिर जनरल कोल्ड फ्लू से भी हम बच सकते हैं। जिनको अदरक बहुत ज्यादा गर्म होती है उन्होंने ड्राई जिंजर यानी सोंड का पाउडर लेना चाहिए, गुड़ के साथ मिक्स करके सुबह निहार पेट, तो उनको एलर्जी के सर्दी से बहुत जल्दी कंट्रोल मिलता है। दूसरी एलर्जी से बचने की दवाई हमारे किचन में होती है, तो दूसरी हमारे किचन में उपलब्ध रहने वाली दवाई है हल्दी। अगर हम 1/2 चम्मच हल्दी यानी 2 ग्राम तक हल्दी दूध के साथ बॉईल करके लेते हैं और इसमें थोड़ा सोंठ या अदरक डाले, तो इससे भी हमको एलर्जिक सर्दी से बचने का मार्ग मिल सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जिनको एलर्जिक सर्दी से परेशानी है उन्होंने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं आप ले सकते हैं। दूसरे बात, मैंने जो इसमें प्रिवेंशन वाली चीजें की बताई है वो करनी चाहिए। उसके बाद साल में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी करना चाहिए, पर्टिकुलरली पंचकर्म के अंदर जो वमन प्रोसीजर होती है जो फरवरी मार्च या अप्रैल महीने में किया जाता है, क्योंकि इस वक्त शरीर में कफ काफी मात्रा में बढ़ता है। अगर साल में आप एक बार करते हैं तो आपको एलर्जिक सर्दी से कम के कम अटैक आएंगे। उसके बाद आयुर्वेद में या फिर इस वीडियो के अंदर जो मैंने परहेज बताया वो परहेज और जो खाना चाहिए खाने की चीजें बताई वो अगर प्रॉपरली खाते हैं तो आपको एलर्जिक सर्दी से कंट्रोल पाया जा सकता है। उसके बाद आयुर्वेद के अंदर जो दिव्य औषधियां है जो हमारे चरकादि आचार्यों ने 5,000 साल पूर्व बताई थी, तो उन मेडिसिन से भी हम एलर्जिक सर्दी से काफी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन किसी को भी एलर्जिक सर्दी से परेशानी है वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल दिया हुआ है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यही नंबर व्हाट्सएप का है उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। साथ में हमारे यहाँ तैयार की हुई जो पेटेंट मेडिसिन है उसके द्वारा आपको हम इससे रिलीफ दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।